मध्य प्रदेश के ग्वालियर से शिक्षा भर्ती विकलांग सर्टिफिकेट स्कैम का खुलासा हुआ है। साल 2018 में हुई परीक्षा में ग्वालियर चंबल अंचल के 184 युवा दिव्यांग सर्टिफिकेट से मिले आरक्षण के बाद से शिक्षक बने थे। अब इन 184 शिक्षकों के दिव्यांग सर्टिफिकेट की जांच कराने पर 66 शिक्षकों को प्रमाण पत्र फर्जी निकले हैं। यह स्वास्थ्य विभाग की जाँच में सामने आया है। प्रमाण पत्रों पर लगी सील और हस्ताक्षर का मिलान नहीं हो पा रहा है। इन 66 शिक्षकों में 50% से भी ज़्यादा बहरापन होने पर दिव्यांग है और वह अपनी दिव्यांगता है जो आसानी से पकड़ में नहीं आती है। शिक्षा विभाग के आवेदन पर स्वास्थ्य विभाग की जांच के आधार पर शुक्रवार को ग्वालियर के मुरार थाना में 66 शिक्षक पर धोखाधड़ी के मामले में FIR दर्ज की गई है। इन सभी टीचरों में को 3 से 4 महीने पहले ही ज्वाइनिंग मिली है। मुरार में एक थाने पे सूचना मिली थी जिसमें स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा ये बताया गया कि दिव्यांग प्रमाण पत्र जो फर्जी थे उनके आधार पर करीबन 66 लोगों ने नौकरी नियुक्ति पाई है शिक्षा विभाग में, और वो चूँकि जारी नहीं किए गए थे तो फर्जी थे। इस पर से प्रकरण 420 का रजिस्टर्ड किया गया है और इन लोगों की तलाश करके कार्रवाई की जाएगी इस संबंध में। और इनका ये पाया गया कि दिव्यांग प्रमाण पत्र इन्होंने कहीं से बनाकर उसको स्वास्थ्य विभाग से जारी किया हुआ या बताकर ये नियुक्तियाँ पाई।